टू देखो, कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके शीर्ष यहाँ पे दिए गए। तो पहले मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, फिर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इसके आगे। चलिए मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यह आपका एक चतुर्भुज हो गया, इसे इसका नाम कुछ दे दिया जाए। चलो इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी डी। अच्छा इसका शीर्ष क्या क्या है, 1.1, बी क्या है आपका 7.-3, सी क्या है आपके पास 12.2 और डी है आपके पास 7.21। चलिए अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि हम फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही जानते हैं, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तो जानते नहीं है। तो हम लोग मतलब निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दो त्रिभुजों का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। यहाँ दो त्रिभुज बन गए, डॉटेड कर देते हैं इसके विकर्ण को। एक विकर्ण कोई भी मिला सकते थे आप, एसी या बीडी कोई भी विकर्ण मिला सकते थे, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे। यहाँ मान लेते हैं, माना ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए तो मैं एक एक करके दोनों का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आपको पता है 1/2 x1 y2 - y3 +x2 y3 - y1 और +x3 y1 - y2, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए अब देखते हैं, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, या त्रिभुज लिख देता हूं, ऐसे हिंदी में ही लिख देता हूं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आप क्या करो कि ए बी सी में, इसमें एक को एक्स वन वाई वन मान लो वैल्यू को रखने के लिए, एक को एक्स टू वाई टू मान लो, और एक को मैं एक्स थ्री वाई थ्री ले लेता हूँ, ठीक है। और अब सिंपल वैल्यू को रखते जाओ, 1/2 x1 की जगह 1, y2 - y3 यानी कि -3, y2 का वैल्यू -3 और -y3, तो y3 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर +x2, तो x2 का वैल्यू देखो 7 है। अच्छा फिर y3 - y1 यानी कि 2 - 1। फिर +x3, तो x3 की जगह पे आपका 12 है, x3 की जगह पे 12 है। और फिर y1 - y2, तो y1 का वैल्यू 1 है और y2 का वैल्यू -3, तो 1 - और ये -3 है तो +3 कर देते हैं। चलिए 1/2 1, यहाँ पे -5 +7 × 1 और यहाँ हो जाएगा 12 × 3 = 4, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका -5 यहाँ +7 और बढ़चौक 48, ठीक है। चलिए यहाँ देखो, यह घट जाएगा 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 50 हो जाएगा आपका, है ना जी। तो 1/2 × 50 काट देंगे यहाँ से, 25 वर्ग इकाई आ गया, 25 वर्ग इकाई हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो अब x2 y2 इसको ना मानकर इसको मान लेंगे x2 y2, तो ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। चलिए क्या हो जाएगा, 1/2 x1 के जगह पे 1, y2 - y3 यानी कि 21 - 2 +x2 यानी कि 7, y3 - y1 यानी कि 2 - 1 +x3 y1 - y2 यानी कि 1 - 21, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 1 × यहाँ 19 हो जाएगा, अच्छा +7 × 1 और +12 × यहाँ पे घटाओगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, 1/2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 19 + 7 और यहाँ -240। चलिए ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 26 हो जाएगा, 26 को घटाएंगे 240 में से तो आ जाएगा 1/2 × -214, ठीक है। चलिए अब इसको काटते हैं तो आपका यहाँ से कट कर आ जाएगा 107 माइनस का 107, तो लेकिन क्षेत्रफल है इसलिए 107 वर्ग इकाई लिखेंगे, 107 वर्ग इकाई लिखेंगे, हमेशा प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है,
चतुर्भुज 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 ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल किस तरह से, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। चलिए तो ए बी सी का क्षेत्रफल 25 आया है, 25 वर्ग इकाई है ना जी, 25 वर्ग इकाई, और इसका जो है 107, तो 25 और 107 दोनों को जोड़ देंगे, यहां से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 132 वर्ग इकाई, 132 वर्ग इकाई यहां से आपका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए ना, उसी टाइप के और भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम लोग इसी तरह से दो त्रिभुज बना लेंगे, उनका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सीधे